बेटा वादा किया था तेरी फुप्पो के साथ कि मैं रूबी को अपनी बेटी बनाऊंगा। रूबी बहुत मोटी है और वैसे भी उसकी रे और डे का मसला फंसा है। मड़े ही तो बोला डे डे कितनी दफा डे। देख पुत्र बड़ी नाजुक सूरत हाल है। हाँ वही। घर वाले मेरी शादी की प्लानिंग कर रहे हैं। किससे? मेरा कजन है, दुबई में रहता है। अशफाक अहमद। हाँ जी। तुम इससे शादी कर लो ना। तेरे प्यू ने तेरी पुतिन और बकायदा गल नहीं कर ली है। मैं उसे शादी नहीं करूँगा। शादी तेरी वहीं पे होगी। पागल हो गया तुम्हारे लिए माजरा चाहता हूँ। तभी इससे बात कर बे। ओए गोलमोल घुरा के दूंगी ना। सुट्टे मार। चुप कर मोटी। मोटी के बच्चा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लगी आपको पिछड़ी कहानी? अच्छी लगी होगी। आगे देखना चाहेंगे क्या हुआ। चढ़े दिखाती हूँ। चढ़े चढ़े गाना था बताओ। छोड़ो तो नहीं समझोगे। अच्छा सुन, ये ख्वाबों की दुनिया से ना बाहर आ जा तू और थोड़ी संजीदा हो जा। तेरी मंगनी हो चुकी है। मम्मा क्या बात कर रही हो, देखा नहीं है तुमने मैं कितनी संजीदा हूँ। मेरी तो है, मेरा मतलब है कि थोड़ी सी और संजीदा हो जा ना। चलो कोशिश करती हूँ। मैं तुमसे सवाल पूछू? हाँ पूछ। एक आदमी था, वो ना 100 फीट लंबा था। जब भी अपने घर से निकलता था ना, उसको सब मुश्ताक मुश्ताक कहते थे। बताओ क्या कहते थे? मुझे क्या पता मुश्ताक क्यों कहते थे। मैं तुम मीड़ा पूरा दिन फ्रूट काटती रहोगी, कपड़े धोती रहोगी, लटकाती रहोगी, कुछ सीखोगी नहीं, घर से नहीं निकलोगी। अरे उसका नाम है मुश्ताक। पागल उठ जा, ऐसा धोई घुमा के चल चल जाके मुंह धो के। आप एक दो तो बस मुझे पड़ जाए। सब उसे मुश्ताक कहते थे है। अरे लतीफा तो बहुत अच्छा सुना के गई। अखबार कहाँ है? उत्तरी। क्यों क्या है? बेअखबार का मुताला हो रहा है, हैरत हो रही है मुझे। हैरत वाली कौन सी बात है? हैरत की बात तो है भाई, सारी जिंदगी तूने अखबार को रोटियां लपेटने के लिए इस्तेमाल किया, या ज्यादा से ज्यादा तूने ये किया कि पूरियों का घी या पराठों का घी नचोड़ा अखबार के जरिए। अब आज मुताला कर रही है तो हैरत तो होगी ना। हो ना, मैं बड़ा जरूरी काम कर रही हूँ। अच्छा तू कर रही है जरूरी काम? वो बड़े हकीम साहब है ना, उनका नंबर ढूंढ रही हूँ। दिमाग का इलाज करवाना होगा, फायदा नहीं होना वैसे कोई। खानदानी बीमारियों का इलाज नहीं होता है। शाह जी इस सस्ती जगत मेरे साथ ना करें। आपको पता है ना मैं फैसलाबाद की हूँ, मैं शुरू हो गई ना तो फिर लग पता जाएगा आपको। नहीं ये तो मैं जानता हूँ। वैसे हकीम से बात क्या करनी है तुम्हें? वो ना शायद जी मैंने सुना है कि हकीम साहब जो है ना वो अकलेपन का इलाज करते हैं, तो मैं ना वो जो डूबी ना मैं
रूबी है ना, उसका मैं रे और रे का इलाज कराना चाह रही हूँ। क्या अकल घास चढ़ गई तेरी? रूबी का तो बचपन से मसला है, ये रे और रे का ये ठीक होने वाले नहीं है। मैं चाहती हूँ ना शायद जी कि जब वो बहू बन के हमारे घर आए तो वो हमारे बेटे को ना सिकंदर कहे, सिकंदर सिकंदर ना कहे। दिमाग खराब हो गया तेरा? खबरदार जो मेरी बहन से बात की, छोड़े से अपने दिमाग का इलाज करवा। तेरी तो जैसे जबान बड़ी साफ है ना। दिलो मन ले तेरी भाणी गई मेरे जानिया, असलानिया तेरी भाणिया मेरे पानिया। डिलीट, ये तस्वीर भी डिलीट, और ये वाली ये भी डिलीट कर देता हूँ। जब ये लड़की मेरी जिंदगी में रही नहीं तो इन तस्वीरों को रखने कोई जवाब ही नहीं बनता। डिलीट। अरे रूबी को सुबह सुबह फोन कर रही है। हेलो। हेलो। हाँ बोलो। क्या बोलूं? जिसके फोन किया है। ओह अच्छा, कैसे हो? जैसा कल था। गॉड कैसे थे? जैसा परसों था। मतलब तुम पूरा हफ्ता एक ही जैसा रहते हो। बकवास बंद करो रूबी, ये बताओ कि फोन क्यों किया है? वो मैंने सोचा मैं तो मेरा गुड मॉर्निंग बोल दूं। क्या मतलब? मतलब हमारी मंगनी हो गई है भाई, मैंने सोचा अपने होने वाले हबीब को गुड मॉर्निंग तो बोल दूं। अच्छा, वैसे चुटोरेपन की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर हम फोन कर ही दिया तो जल्दी से गुड मॉर्निंग बोलो, मैं एक जरूरी काम कर रहा था। ओके गुड मॉर्निंग। खुदा हाफिज। हेलो सिकंदर, सिकंदर एक तो ये लड़का ना शर्माता बड़ा है मुझे, मैं क्या करूंगी इसका क्यूटी पाई। एक काम करता हूँ, ये पूरी की पूरी एल्बम ही डिलीट कर देता हूँ। ये लड़की तो अपनी मंगेतर के साथ पार्टी करी होगी तो भाई तो इन तस्वीरों का चार दानूंगा क्या मैं? डिलीट। अरे रूबी, हाय हाय अल्लाह क्या हो गया, हाय मेरी बच्ची उलझ गई, कैसे सीधा करूं इसे? अरे रूबी हाय क्या हो गया? माँ एक तो तुम्हारी एंट्री बहुत ही गलत टाइम पे होती है भाई, मैं एक्सरसाइज कर रही थी। कैसी एक्सरसाइज कर रही थी, ये क्या कर रही थी तू? अम्मा इसको योगा कहते हैं, योगा। अरे कमबख्त ये क्या गोगा योगा क्या है ये? अम्मा इसको करने से ना लोग खूबसूरत और हसीन रहते हैं, हसीन। तुझे किसने कह दिया? अरे अम्मा मॉर्निंग शो पर नहीं देखती हो? वो इतनी बड़ी बड़ी पक्की उम्र की औरतें आती हैं, इतनी खूबसूरत लगड़ी होती है, क्यों लगती है? वो सभी यही तो करती है योगा। ये सारा ना मेकअप का कमाल होता है और कुछ नहीं। अरे ये जो संडे मैगजीन आया था ना इस दफा, उसमें ना इंडिया की हीरोइनों की तस्वीरें आई थी बगैर मेकअप के। कसम खुदा की दाढ़ी मूछ लगा दो बिल्कुल मर। याद है वो जो वो काजोड़ आई थी शुरू शुरू में, उसकी ऐसी मूछे थी कि हमारे सुल्तान लड़ाई की भी मूछे पेड़ है उसके आगे। और कौन तूने उसकी वो देखी थी क्या? आईब्रो आईब्रो आईब्रोस इतनी घनी थी जैसे जांगा मांगा का जंगल। गड़ा बात है अम्मा, अगर अल्लाह ताला ने हम लोगों को इतना खूबसूरत और इतना हसीन बना दिया है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम दूसरों का मजाक उड़ाना शुरू करते। गड़ा बात है ना, पहले सब मजे ले लेती है अम्मा, ये अम्मा वो फलाना ढिमकाना है, फिर उसके बाद कहती है अम्मा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नाश्ता बना दिया तेरा, आके नाश्ता कर ले। लेकिन मैं योगा कर रही हूँ। है चाय निकाल दिया, ठंडी होगी दोबारा से नहीं गर्म करूंगी मैं। अच्छा फिर मेरे लिए वो देसी घी का पराठा बनाओ, उसमें मक्खन डालो। घी और पराठा खाएगी मंगनी हो गई या दुबला नहीं होना तूने? पापे मंगाए तेरे, और वो वाले कौन से तेरे? वो ब्राउन डाइटिंग के पापे। चल जल्दी आ जा। अरे आड़ ग्रीन टी पियो, योगा करो, पापे खाओ। ये जिंदगी है क्या सिकंदर? तुम्हारे लिए क्या क्या करना पड़ता है मुझे? कितने गंदे गाने सुनती, तोबा 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 तोबा। क्यों अब बड़े पसंद बेबी को बेस्ट लगाऊं? वो है मेरे पास।
आज नहीं, बड़ी तेरी मेहरबानी, शुक्रिया। चाय पापा खा रहे हैं हमारे यार। माँ को बुला अपनी। हाँ बुला रही हूँ। अम्मा ममाड़ी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम भाभी, आओ आओ बैठो। फालतू टाइम कोई नहीं मेरे पास, बड़ी जरूरी बात है मुझे। हाँ हाँ बोलो भाभी, क्या बात है? ओकड़िए जी ममाड़ी जान बोले। ओ हमारे यहाँ देर से उठने का रिवाज नहीं है, 11 बज रहे हैं, नाश्ते चल रहे हैं। एक मिनट भाभी, मुझे अच्छी तरह से याद है शादी के शुरू के दिनों में ना एक एक बजे सो के उठा करती थी। कोई अल्लाह बख्शे मरुमा मेरी अम्मा को, जब उन्होंने लगामें खींची ना इनकी, जब जाके आदत डाली सुबह सवेरे उठने की। हाय हाय बातें मेरे पास भी हैं बहुत सारी करने को, लेकिन मैं लड़ने नहीं आई। वेरी गुड वेरी गुड, कोई बात नहीं मैं उठ जाए करूंगी सुबह सुबह, क्या हो गया इसमें। मैं सुबह सुबह मम्मी यार को बेड एंड ब्रेकफास्ट दूंगी, ऐसे वो इतने खुश हो जाएंगी, है ना। बेड एंड जो भी वैसे वो असल गलत मैं भूल ही गई, वो ना मैंने ना इस रूबी को भेजना है सिकंदर के साथ। मैंने पता चलाया है वो बड़े हकीम साहब हैं, वो रे और रे का इलाज करते हैं, तो इसको भेज दे। बस बस रहने दो भाभी, मेरी बच्ची किसी हकीम हकीम के पास नहीं जाएगी। अरे मैं बिल्कुल जाऊंगी सिकंदर के साथ, बिल्कुल जाऊंगी मैं। और शाबाश शाबाश पुत्री। मैं ना वो वाला ग्रीन वाला ड्रेस पहन के आऊंगी। क्या कहा तूने? है हकीम के जाएगी, है इलाज कराएगी, तो सब घुमा करेंगे ना, तो रे बन जाएगा। क्यों मेरे पीछे हर वक्त दिन रात तुम हाथ पाओ मुंह सब धो के पड़ी रहती हो, मुझे धोने पे तुम ही रहती हो तुम। अच्छा चलो तुम भी क्या याद करोगी, मैं वापसी पर तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेके आऊंगी। आइसक्रीम सुन बॉब, काली वाली मत लाना मुझे नहीं अच्छी लगती, गुलाबी वाली लेके आना। स्ट्रॉबेरी वही। स्ट्रॉबेरी जरूर लेके आऊंगी तुम्हारे लिए। अरे गाना तो लगा। हाँ चली गई वो। क्या हकीम साहब? नहीं 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 मुझसे नहीं होगा ये। और ये आइडिया दिया किसने आपको? मुझे किसी के आइडिया की जरूरत नहीं है, मेरा अपना दिमाग बड़ा तेज काम करता है। अम्मी जी मुझसे नहीं होगा ये चिचोरापन। हाय इसमें चिचोरेपन की कौन सी बात है? अभी मेरी और रूबी की सिर्फ मंगनी हुई है और मैं उसको मोटरसाइकिल पे लेके घूमूंगा, कितना अजीब लगेगा। पुत्र जी मैं तुझे कब कह रही हूँ कि उसको सैर करा, मैं कह रही हूँ उसको इलाज के लिए ले जा। अम्मी जी इलाज की भला क्या जरूरत है? मेरा सोना पुत्र, कल को हम मार खप गए ना तो तेरा क्या होगा जब वो तुझे सिकंदर सिकंदर कहेगी तो? हैं? अच्छा ठीक है, आप भी ना इतना लंबा नक्शा खींच देते हैं। ठीक है ले जाऊंगा मैं उसे। पुणे पुणे लेके जा, अभी 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 अभी। अच्छा अच्छा जा रहा हूँ। हकीम साहब ऐसे थोड़ा देखो मुझे, मुझे नजर लग जाती है। अच्छा चलो देख रहा हूँ, मुझे पता मैं बड़ी अच्छी लग रही हूँ, कोई बात नहीं। पागल वागल होगी हो क्या? क्यों नहीं बिल्कुल भी नहीं। और इतना छमक छल्लो बन के क्यों आई हो? हम लोग बाहर जा रहे हैं ना इसलिए। हम हकीम साहब के पास जा रहे हैं दवा लेने के लिए। हाँ तो क्या हुआ, वापसी पे आइसक्रीम खाएंगे, मेरे पास खुले पैसे भी हैं। खुले पैसे भी हैं, जाना कहाँ है? वैसे तो मुझे बड़ोज की आइसक्रीम बड़ी पसंद है, लेकिन तुम जान चाय ले जाओ मुझे। ओहो मैं हकीम साहब के मुतब का एड्रेस पूछ रहा हूँ। वो तो नहीं है मेरे, मैं भी लेके आती हूँ। बाबड़ी कहीं की? ए, बाबड़ी किसको कहा है? तुम्हें कहा है? तू होगा बाबड़ा। तू है, तू है। कह रहे हो तो फिर प्यार से कह रहे हो गए, बड़ी चढ़ाड़ती हो गए तुम। मुमाणी जान, अरे अस्सलाम मामू जान। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहे भाई जीती रहे। मुमाणी जान मुमाणी जान, आया है क्या हो गया? अरे वो आप तो मुझे एड्रेस देना भूल गई। कौन सा एड्रेस भाई? ड्रेस ड्रेस। अब किसका ड्रेस?
नहीं नहीं मुमानी जान आपको गलत फहमी हो रही है ड्रेस नहीं एड्रेस मांग रही उसे कंदड़ के आप, 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 दर्जी के जाना है ना इसके कपड़े सिलवाने तो इसको ना ड्रेस भूल गया इसको बताना है मैंने चल ड्रेस हर वक्त चिल्लाती रहती है बस काम में घुस जाती है चल रूबी 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 तू तो कमाल करी तू मैंने मुराद था मैंने क्या किया मुझे क्या पता था मामू डैड को नहीं बताना हकीम के बारे में इतनी पागल लड़की तुझे अपने मामू का पता नहीं तुझे पता नहीं हर चीज में कीड़े निकालते हैं ये भी ठीक है अच्छा मुझे एड्रेस तो दे दे कंधड़ मेरा वार्ड वेट खड़ा है बहुत जोर से ड्रेस और ड्रेस अच्छा तू इंज करी इंज जाए फिर इंज जाए और फिर ऐसे चली जाए और सामने ना हकीम साहब है सामने समझ में आ गई मैं जा रही हूँ अरे ऐसी खुशखबरी सुना दी ऐसी खुशखबरी सुना दी बस दिल शांत बात कर दिया तूने लेकिन अगर चार महीने के बाद आती ना भाई तो रूबी और सिकंदर की शादी भी अटेंड कर लेती लेकिन चल कोई बात नहीं भाई प्रोग्राम बना लिया तो आ जा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ जा परसों पहुंच रही है ना बस बिल्कुल सही है इतने जमाने के बाद मिलना है बहन भाइयों ने दुख सुख बांटेंगे भाई है बातचीत करनी है बहुत अच्छा रख रहे हो राफिस शाहिद जी ये तेरी काना भूसी की आदत नहीं है हर वक्त कान लगा के सुनती रहती है क्या बात हो रही है बेबी था फोन सी 50 बार मैंने नाम लिया ना बेबी 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 फिर पूछ रही है क्यों पाकिस्तान आ रही हाँ ये भी सुन लिया है तूने फिर क्यों पूछ रही है परसों कदों आ रही है परसों आ रही है अरे अजू तो हर वक्त कान लगा के मेरी बातें सुनती रहती है ना ये अच्छी हरकत नहीं है बतला रहे हो तुम शाहिद जी नाराज क्यों होते हो फिर क्यों आया जो मैंने थोड़ी सी बातें सुन ली हैं मैं कह रहा हूँ फर्क पड़ता है ले इतनी कौन सी सीक्रेट बातें कर रहे थे अगर मैंने सुन ली तो कौन सी क्यामत आ गई ये जो तुम मेरे साथ ऐसी बहस मुबासा करती रहती है ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरी सौजा जो है वो मेरे साथ खामखा की बहस में उलझे अच्छा शाहिद जी गुस्सा छाड़ते हो है चाय बनाऊं आपके लिए कोई जरूरत नहीं मैं ऊपर जा रहे हूँ अपनी बहन के पास यास्मीन को बताऊं जाके कि बेबी आ रही है किसको ऊंचा सुनती है क्या यास्मीन को यास्मीन बड़ बकड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 में निकला धागा चोड़ निकल के भागा ओए अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब वालेकुम सलाम आओ भाई अंदर आई गए हो तो बैठो बैठो जी हकीम साहब मेरा नाम सिकंदर है सिकंदर क्या अच्छा नाम है सिकंदर बड़ा प्यारा नाम है जी सिकंदर मुझे तो लगता है कभी रे ओड़े का मसला फंसा हुआ अभी कुछ ऐसे होगा आपको सर पर सर कर मुझे बताओ क्या हुआ नहीं हकीम साहब ये इसका नाम रूबी है दरअसल इसका ना रे और रे का प्रॉब्लम है तो उसके इलाज के लिए आए ओए कौन सा मसला है मेरा अपना रे और रे का मसला वही तो मैं सोच रहा हूँ कि आप इसका इलाज कैसे करेंगे क्यों भाई मैं इसका इलाज क्यों नहीं कर सकता अगर इसका इलाज करने के काबिल होते तो पहले खुद अपना नहीं कर लिया होता नहीं नहीं सिकंदर तुम समझ नहीं रहे हो भाई जैसे एक नाई अपने बाल नहीं काट सकता वही जैसे एक सर्जन अपनी सर्जरी नहीं कर सकता वही 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 वैसे हकीम साहब अपने रड़े रड़े का मसला नहीं हट कर सकते लेकिन मेरा जरूर हट कर सकते है ना वाह वाह भाई क्या अच्छी बात की है भाई क्या बात की है बड़ी जहीन बच्ची है जो है शादी इसी से कर अरे मैंने तो हो चुकी है मंगली अच्छा फिर तुम इससे शादी मत करना क्यों खाली उसकी मंगनी हो चुकी है अरे भाई इसकी मंगनी मेरे साथ हुई है अच्छा फिर तुम इससे शादी कर लेना यू नो शी इज वेरी ज़हीन थैंक यू वैसे आप मुझे बताइए कि आपका रे और रे का मसला सबसे ज्यादा है बेबी आ रही है होने बोल यही बैठे हैं हम शाहिद भाई मैं आपको बता नहीं सकती आपने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है मेरे तो समझ में नहीं आ रहा मैं खुशी में क्या करूं मैं दसा छत है ना उसे छाल मारते जाके जब बोलेगी ना तू फजूल ही बोलेगी
सही बात मत बोलियो जिंदगी में कभी। भाई बहुत खुशी का मकाम, बहुत खुशी का मकाम है, आखिर को हमारी बहन आ रही है। मैं तो सोच रही थी रूबी को पता चलेगा ना, खुशी से उछल पड़ेगी। रूबी है कहाँ? वो ये किसी काम से बाहर गई होगी। सानू की तेरा हर बात पे बोलना जरूरी है, तू चुप करके बैठ। शायद जी वो मुझे बहुत सारे काम याद आ गए, चले घर चले। अरे हाँ तो तुझे याद आया है ना, तू जा घर, मेरा दिमाग काय को खराब कर रही। जाओ निकल। अटला ना, रूबी कहाँ है? भाई वो भाभी ने उसे ना किसी हकीम के पास भेजा। मना किया था ना तुझे? हाँ, से मना। फिर तो मैं समझा तुझे मजाक कर रहे। तेरा मेरा मजाक है तो फिर? और याद है चूल्हे तो दूध रखे थी, मैं उन्हें गई और उन जाई। नहीं मैं नहीं आई, मैं देख तू इसकी बातों में मत आई हो, ये तो ऐसे ही करती है, बच्ची की जबान साफ कर दी ना, हरी मिर्चें खिलाया कर। हाँ भाई तोता खाता है ना, तो कैसे बातें करता है? टटर कच्ची हरी मिर्च खिलाऊंगी रूबी को। दस खानी थी, हकीम साहब ने कहा था दस। ये क्या क्या खा रही है तू? अम्मा दवा है। अरे कैसी दवा है ये? हकीम साहब वाली दवाइयाँ। अच्छा छोड़, रहने दे इस दवा को। ये जो हरी मिर्चे है ना, ये सारी की सारी खानी है तूने। शाहिद भाई है ना, वो कह रहे थे रोज इतनी हरी मिर्चे खाएगी ना तो तेरा ये जो रे का मसला है ना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर मैं लड़े छोड़ के टड़-टड़ बोलने शुरू हो गई भिड़, तो बजा दूंगी घुमा के। अच्छा छोड़, ये देख जरा इन दोनों में से कौन सा अच्छा है, कौन सा पहनू है? अम्मा खैरियत है? इतनी रात को इतना तैयार होके सोगी, पार्टी बजाने काम में? रूबी मेरे साथ ना ये भोंडे मजाक मत करा कर तू। अच्छा बताओ तो सही, कहाँ जाने तैयार होके? अरे वो कल जो है ना बेबी आ रही है ना। बेबी का बेस पसंद है? दूंगी ना घुमा के उल्टे हाथ का। अरे तेरी खाला आ रही है बेबी अमेरिका वाली कल। अच्छा, अरे मेरा भी बड़ा दिल चाह रहा था इम्पोर्टेड चॉकलेटें खाने का, वो आएंगी तो मैं चॉकलेटें खाऊंगी। रूबी अगर शादी से पहले तूने कोई ऐसी चीज खाई हुई ना जिससे वजन बढ़ता है तो तू देख जरा मैं जरा गुलाई तो मारूंगी। अब खाने पीने के अलावा और बचा ही क्या जिंदगी? अच्छा अच्छा रहने दे, बता ना कौन सा ये वाला की ये वाला? पता नहीं मुझे तो उल्टे हाथ वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये पहनूंगी। जब अपनी मर्जी चलानी होती है तो मुझे क्यों पूछती हो? और मेरी काउंटिंग भी बिल्कुल घुमा दी तुमने, मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने कौन सी दवाई खाई थी कौन सी नहीं। दोबारा खानी पड़ेगी मुझे सारी दवाइयाँ। अच्छा अच्छा ठीक है, ये सारी दवाइयाँ खाने के बाद ना हरी मिर्चा खाना मत भूलियो। खाने तो दो दवाई फिर हरी मिर्चे भी खा लूंगी मैं। पिछड़ी ईद मैंने तुम्हारे लिए क्या कहने किया, ग्रीन टीयों के कितने बड़ा बड़ा वक्त भी है, मैंने कृषियाँ टापी, मैंने एक्सरसाइजेस की, क्या कहने किया, बेसिस पे दवाइयाँ खाओ हरी मिर्चे खाओ, अल्लाह मियाँ मार दे मुझे, ये ले ये ले ये ले, ये ले। अरे कम्बखत खाने को बोला था देखने को नहीं। उठा ले उठा ले, रेट देखियो कैसी चढ़ेगा। हाँ हाँ चल ठीक है रख रहे हो। हाँ सिकंदर, अबे ओ सिकंदर। जी जी अब्बा जी। कहाँ गए वे बेटा, कहाँ गायब हो गया है? ओ तेरी फुप्पो चल पड़ी है एयरपोर्ट से, टैक्सी लेके आ रही है यहाँ पे, उससे इस्तकबाल के लिए बाहर गेट पे जाके खड़ा हो जा। वो अमेरिका वाली? हाँ अमेरिका वाली। बस क्यों क्या? शायदा, अरे शायदा कहाँ गायब हो गई? हाँ जी सैयद जी क्या कह रहे हो? सब तैयारियां मुकम्मल है इस्तकबाल की? बिल्कुल जी, बेहतरीन इस्तकबाल होना चाहिए। ये तुसी फिक्र ना करो। अच्छा जा यास्मीन को बुला ला। किसको? यास्मीन मेरी बहन। जरूरी फालतू बातें करती है ना, गुस्सा दिला दिया, खुदा की कसम किसी रोज टिप्पे लगा के बाहर फेंक देना है तुझे। चली जानी है फिर। अच्छा बुला ला दी, बुला ला दिया, बुला ला दिया।
अस्सलामुअलैकुम फुप्पो। बेबी कितना बड़ा हो गया तू? क्या करता, और कोई ऑप्शन नहीं था ना? नहीं मजाक कर रहा था। फुप्पो आप अकेले आई है? नहीं नहीं वो मेरी बेबी भी आई है, सारा सारा बेबी। What happened? What's up? काफी स्मार्ट हो गए, पहले तो बहुत मोटे थे। थैंक यू। और तुम भी ना काफी काफी वो क्या कहना चाहिए, काफी जल्दी किस बात की है, सोच के बता देना, अभी तो हम लोग यही हैं। हाँ ये बात भी ठीक है। पुप्पो आप लोग आइए ना, अंदर आइए। हाँ हाँ चलो बेबी हम अंदर, वो सामान गाड़ी में से निकाल लो। हाँ प्लीज आ जाओ बेबी। अंग्रेजी बोल रहे हैं ना, मेरा सर फखर से बुलंद कर दिया तूने, भूल जा रहा है। कितनी बड़ी हो गई तू बिल्कुल ठीक हो? बिल्कुल आप बताए आपकी पढ़ाई कैसे रही? अरे अरे तेरी टांग तो अभी तक कैसी है? अरे टांग तो बिल्कुल बराबर ठीक है, जबान में जरा खराबी, इलाज करवा रही है। हाँ हाँ ठीक हो जाऊंगा, देखेगा। अरे चल अंदर चल के बातें करते हैं। अरे गोलमोल तू क्या कर रही है? मैं अंदर डांस कर रही थी, कैसा लगा तुम्हें? मुझे लगता है पुप्पो ना अमेरिका से ईंटें भर के लाई है इसमें। क्यों बहुत हैवी है? बहुत भारी है। अरे तुम छोड़ दो, तुम इतने मासूम से क्यूट से बच्चे हो, तुम छोड़ दो मैं उठाती हूँ। तुमसे नहीं होगा ये। अरे जान तेरे यार, देखा ना देखा, ये देखो ये लड़की है यही में। सर कोई अपना तो काम पूरा हुआ है भाई, हमारे अमेरिका में तो इतनी ज्यादा सफाई सुथराई है ना, डिसिप्लिन और ईमानदारी की तो बस हद ही खत्म कर दी उन्होंने। ईमानदारी तो वैसे हमारे यहाँ भी खत्म ही है। ईमानदारी में तो हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता, ऐसी ईमानदारी से बेईमानी करते हैं कि बस पूछो ना। तेरा तो दिमाग खराब है। अरे वो क्या कह रही है और तू क्या समझ रही है, कुछ भी बोल देती है। अभी वो मैं एयरपोर्ट से घर वापस आ रही थी ना, तो मैंने देखा दीवारों पे बड़े बड़े तस्वीरें लगी हुई थी और पता नहीं क्या कुछ रिटर्न हुआ हुआ था। अगर हमारे अमेरिका में ऐसा होता ना तो पुलिस पकड़ के ले जाती है और फाइन कर देती है। अरे बेबी तूने क्या अमेरिका खरीद लिया है? मेरा अमेरिका, हमारा अमेरिका, हमारा अमेरिका है। कुछ नहीं कुछ नहीं, और ऐसी मच्छर ने काट लिया। मच्छर बहुत है, वो बहुत मच्छर है इधर, बहुत मच्छर है। जो क्या खाना खाओ, खाना खाओ, खाना खाओ। जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा, कानों में
हेलो, ऐसे क्या देख रहे हो? उठाओ मुझे. सॉरी, तुम्हें लगी तो नहीं? नो, आई एम ओके. हाँ, लेकिन शायद तुम्हें बहुत जोर से लगी है, सीधा दिल पे. क्या मतलब? अरे मजाक कर रही हूँ. तुम भी ना अभी तक ना समझो. इसे क्या हो गया? तुम तो बड़ी बात हो, बिल्कुल नहीं डरी. थैंक यू. एक सवाल पूछू? पूछो. देखो, चार आदमी थे, तीन के पास छतरियां थी, एक के पास नहीं थी, लेकिन वो फिर भी नहीं भीगा. बताओ क्यों? क्यों? क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी. मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर का बहुत ही कोई नेक्स्ट लेवल क्रेजी है. तुम मेरे साथ रह रहे ना सीख जाओगी. गुड, वेरी गुड. वैसे तुम यहाँ केड़ी क्या कर रही हो? बस वैसे ही. इतना कुछ नहीं होता, मैं सब समझती हूँ. इधर कोने में लड़कियाँ फोन पे बात करने जाती है ना, उसका मतलब समझती हूँ मैं. क्या मतलब है? मतलब ये, मुझे कोई मोहब्बत शोबत का चक्कर लगता है. इससे कुछ भी नहीं है. है तो सही, मुझे तो दिखाओ. अरे वाह, ये तो बड़ा हैंडसम बच्चा है भाई. Not funny. अरे लेकिन है कौन, बताओ तो सही. अरे बता दो, मैं भी तो तुम्हारी कजिन ही हूँ, कजिन भी तो दोस्त ही होता है ना. बता दो, शेयर कर सकती हूँ. मतलब मैं किसी को नहीं बताऊंगी. बताओ बताओ. आमिर और मैं स्कूल में एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे. फिर हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे. करते थे मतलब? मतलब कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है. ब्रेकअप? लेकर क्यों? बस थोड़ा गुस्से का तेज था और मुझ में भी ईगो कूट कूट के भरी हुई थी. मोहब्बत और ईगो एक साथ कभी नहीं रह सकते. ये वो दो तलवारें हैं जो एक मयार में रह ही नहीं सकती. तुम ठीक कह रही हो. मैं तो हमेशा ही ठीक कहती हूँ. और मोहब्बत करती थी क्या उससे? बहुत ज्यादा. इनफैक्ट अगर वो आज भी मुझे अपने पास बुलाए तो मैं दौड़ती हुई चली जाऊंगी सब कुछ छोड़कर. अगर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. क्यों पॉसिबल नहीं है? सुना है कि उसकी शादी होने वाली है. अब उसकी लाइफ में मेरी कोई जगह नहीं. चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई ना कोई मिल ही जाएगा तुम्हें. अब देखो सिकंदर भी तो मिल गया ना मुझे. इतनी जद्दोजहद करने के बाद तुमने मंगनी काढ़ी ली मुझसे. तुम्हारे लिए भी कोई ना कोई तो हो गई जरूर. कोई ना कोई तुम्हारे बारे में इस वक्त जरूर सोच रहा होगा. तुम इतनी प्यारी जो हो. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. ये कौन सी एक्सरसाइज है? ये क्रिकेट वाली एक्सरसाइज है, वार्म अप, यू नो. अच्छा, ये किस लिए होती है? फिट रहने के लिए करते हैं. और किस लिए करते हैं? वो तो मुझे भी पता है, मेरा मतलब था कि क्यों करते हैं. किस किस्म के सवाल पूछ रही हो तुम? अभी बताया तो है, फिट रहने के लिए करते हैं. फाइन, यू कैरी ऑन. या यू टू. सिकंदर, ये क्या कर रहे हो तुम? वर्जिश कर रहा हूँ, देख नहीं रहे क्या? वर्जिश? तुम्हें कब से जोर चढ़ गया वर्जिश का?
रोज सुबह सुबह उठ के मैं वर्जिश करता हूँ। रोज सुबह उठ के झूठा करेंगे, मैंने तो कभी नहीं देखा तुम्हें रोज सुबह उठ उठ के वर्जिश करता है। तुम सुबह उठती कहाँ हो, तुम्हें क्या पता, तुमने कहाँ देखा है मुझे? ठीक है दिखाओ, ये देखो। नहीं देखो। नहीं, अच्छा ठीक है दिखाओ दिखाओ क्या कर रहे थे। ओ मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं, अपनी अम्मा का और सिकंदर का, एक तो इन सब लोगों को कुछ नहीं आता, मुझे सिखाना पड़ेगा भाई। चलो कोई बात नहीं, मैं सिखाती हूँ। तुम दोनों ना मॉर्निंग शो देखा करो, मॉर्निंग शो में ना सब दिखाते हैं, मैं दिखाती हूँ तुम्हें। ये देखो करो करो, वन टू थ्री, दूसरी तरफ। क्या बताऊं शायद, यहां तो लोगों को लगता है कि हम बहुत अयाशी में जिंदगी गुजार रहे हैं। ये तो हम ही जानते हैं ना किस तरह वहां खींच तान की जिंदगी गुजर रही है मानस। अच्छा बीबी, मेरा तो ख्याल सी कि आपके मियाँ जी अच्छा खासा कमा लेते। कहां बात, लोगों ने बिला वजह उड़ाई थी। अब खुद सोचे ना, मेरे पास सिर्फ दो डायमंड के सेट है, और ये देखे ये देखे, ये 8 सोने की बैंगल्स हैं, 5 साल पहले बनवाई थी मैंने, और आज तक इन्हीं पे गुजारा कर रही हूँ बस। शायद जिंदगी नाम ही समझौते का है। अल्लाह करे हम भी इतने गरीब हो जाएं। हैं? What? क्या कहा? हाँ, कुछ नहीं, मैं तो कुछ नहीं कह रही। अच्छा भाभी एक काम करें, वो मेरे वाले कमरे में ना छोटा वाला काला वाला बैग लेकर आई हूँ मैं, उसमें बहुत सारी गिफ्ट्स है, वहाँ ऊपर चलते हैं यास्मीन के पास, आपस में आप दोनों डिवाइड कर लीजिएगा। अच्छा मैं उन्हें लेके आई। अस्सलाम वालेकुम बेबी, हाँ वो तुम में तो इतनी तौफीक नहीं होगी ना कि बड़ी बहन से आके मिल लो, तो सोचा मैं ही आके तुमसे मिल लेती। अरे नहीं बेबी, ऐसी कोई बात नहीं है, कसम से ये सब्जी बना रही थी ना, बस बना के हांडी चढ़ाती और फौरन नीचे आ रही थी मैं। ठीक है ज्यादा सफाई पेश करने की जरूरत नहीं है, वो मैं कुछ गिफ्ट और तोहफे लाई थी तुम लोगों के लिए, सोचा तुम लोगों में डिवाइड कर दूं। लेकिन बेबी इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? हाय बेबी कुछ नहीं चाहिए इसे तो, सारा तोहफा मुझे दे। हाय हाय ऐसे कैसे दे दो, अंधी लगी है कोई? हाँ मेरी बहन लेकर आई है ये तोहफे, और इसके लाए हुए तोहफे तो मैं अपने दिलो जान से लगा के रखूंगी। हाँ तो फिर इतने ड्रामे करने की क्या जरूरत है भाई? क्या तुम दोनों अब अनएजुकेटेड औरतों की तरह लड़ाई झगड़ा करना शुरू हो गए? अच्छा रहने दो ना बेबी, आओ बैठो इधर आओ, यहाँ रखो। बहुत तोहफे भाई, गिफ्ट है गिफ्ट है। अब देखो ये महंगा वाला परफ्यूम किसको चाहिए? मुझे भाई जो पहले बोलेगा चीज उसको मिलेगी। हाँ एक अद्धी दे दे दे। ठीक है और ये टी शर्ट कौन लेगा? तूने क्या करनी टी शर्ट, पुत्र तो मेरा है सिकंदर। मेरा पुत्र है, मैं सिकंदर को अपने हाथ से तोहफा दे दूंगी, लेकिन तेरे हाथ में हरगिज नहीं दूंगी। बस अच्छा एक गल है बेबी।